टॉपिक है ग्रेविटेशन, टॉपिक है ग्रेविटेशन। यस देखो पहले ही मैं बता दूं, 11th में जो हम मैं ग्रेविटेशन पढ़ाता हूं, 11th में जो ग्रेविटेशन पढ़ाता हूं मैं, यस वो इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट। अच्छा इनकम्प्लीट होता है, यस मतलब ग्रेविटेशन रीजन है उसके पीछे इनकम्प्लीट होने का। ग्रेविटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, ग्रेविटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। स्क्रीन दिखा रहा हूं मैं, स्क्रीन शेयर करिए, ठीक है? ये कितना बड़ा है ये बता देता हूं। ग्रेविटेशन मैं कराऊंगा 2 लेक्चर में, ठीक है? दो क्लास मतलब 4 घंटे या 5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तुम कहोगे यार ये तो आप कह रहे हो बहुत बड़ा है। यार बहुत बड़ा है क्योंकि ग्रेविटेशन के अंदर सारे फॉर्मूले वो लगेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैट में लगेंगे, सेम फॉर्मूले हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। अब इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जितने टॉपिक है ना सारे ग्रेविटेशन में हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर फॉर्म में, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क रिंग सेमी इनफाइनाइट रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डॉट प्रोडक्ट। चलो ये तो नहीं होगा, गॉस लॉ तो नहीं होगा, ठीक है ये नहीं होगा, इतना ये नहीं होगा, इतना पार्ट नहीं होगा। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, इनफाइनाइट शीट, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो पूरा चलेगा, हाँ या ना? तो मतलब आइडिया। अब तुम कहोगे यार ये तो मतलब, और ये कितने दिन चलता है ये तुम खुद देख लो। इलेक्ट्रोस्टैट तुम्हारा चलता है 26/3 को चालू हुआ, छब्बीस तीन को चालू हुआ, और 26/3 को चालू होके 31/5 को खत्म हुआ। एक महीना, 1 महीना 4-5 दिन, हाँ या ना? वो ग्रेविटेशन, वो रोटेशन जितना बड़ा है। टू कीप बैलेंस, टू कीप बैलेंस, ये 12th का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो हम, मैंने क्या किया, मैंने ग्रेविटेशन के अंदर पूरा नहीं कराना, मैंने इतना कराना है जो 11th के लिए जरूरी है, हाँ या ना? और जो मेन कैलकुलेटिव वाला पार्ट है ज्यादा है वो पार्ट इलेक्ट्रोस्टैट करा देंगे और कहेंगे कि भैया जो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने के लिया है उसकी जगह जी ले लेना, जो चार्ज 1 लिया है उसकी जगह मास ले लेना, चार्ज 2 की जगह मास ले लेना, सारे फॉर्मूले वही लग जाएंगे, हाँ या ना? तो लेकिन इस जो तरीके से मैं करा रहा हूं उससे नुकसान क्या होगा, अगर तुम आर्काइव लेके बैठ गए या मॉड्यूल लेके बैठ गए तो उसके सर्टेन क्वेश्चंस तुमसे आज ही नहीं, आज नहीं निकलेंगे ग्रेविटेशन करने के बाद, हाँ या ना? कि भाई तुमने अपने अपने जो जिस जिस भी कोचिंग में तुम जा रहे हो वहां पर तुमने उसका पैकेज करने बैठ गए ग्रेविटेशन का, या आर्काइव के क्वेश्चन करने बैठ गए, तो वो सारे नहीं निकलेंगे आज। आज इतने निकल जाएंगे कि भाई लेटेस्ट से 70% निकल जाएंगे, 30% निकलेंगे तो मैं उनको ये कहूंगा कि अच्छा ये इलेक्ट्रोस्टैट के टाइम पे हो जाएगा। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो थोड़ा अजीब तरीका है, लेकिन अजीब इतना भी अजीब नहीं है, वरना फिर पता चलेगा 1 महीना इसी पे लगे रहे ग्रेविटेशन पे। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशन में सबसे पहले तो आ गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कहता है कि एक पॉइंट मास है M1, एक पॉइंट मास है M2, और ये दोनों के दोनों सेपरेशन पे हैं R पे। एक तो पहली चीज तो ये हो गई कि पॉइंट मासेज हैं, पॉइंट मासेज हैं। दूसरी चीज हो गई कि उनका सेपरेशन R हो गया, और ये जो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा ऐसे और इस पे फोर्स लगेगा ऐसे,
एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. दिस फोर्स इज गिवन बाय जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर. ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर एंड ये फोर्स लग रहा है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर. इसका मतलब इस पे फोर्स दोनों पे अट्रैक्टिव लग रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि ये फॉर्मूला बॉडीज पे नहीं लगा सकते, ये सिर्फ पॉइंट मासेस पे लगा सकते हैं. ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी होती है, ये कॉन्स्टेंट हो गया, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट हो गया. कितना होता है, 6.6 × 10⁻¹¹. ठीक है, यूनिट तुम खुद सोच लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काफी छोटी फोर्स है, हाँ या ना. वो पिक्चर में इसलिए आती है क्योंकि जनरली हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की बात करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का मास बहुत बड़ा होता है, हाँ या ना. ठीक है, अदरवाइज तो ये फोर्स काफी कमजोर सी फोर्स है. ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं इन दोनों को रिलीज कर दूं, अगर मैं इन दोनों को रिलीज कर दूं, इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, a1 कितनी होगी, f = ma लगाओ, f = ma. तो ये एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, g m2/r². इसको रिलीज कर दो तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, m1/r², g m1/r². इसका मतलब जो लेफ्ट वाला है m1 मास है, उसकी एक्सेलरेशन दूसरे मास पे डिपेंड कर रही है. इसकी एक्सेलरेशन दूसरे के मास पे डिपेंड कर रही है और दूसरे की एक्सेलरेशन पहले मास पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, लिख लिया यहाँ तक. अब जैसे मान लो कोई कहे, लिख लिया ना. मान लो कोई कहे कि भाई हमने कई कई पॉइंट मासेस ले लिए, तो अब फोर्स बताओ कितना लगेगा, कि भाई हमने यहाँ पर भी पॉइंट मास है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये एम है, ये भी एम ले लो, ये भी एम ले लो, और इस एम पे फोर्स बता दो, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस बी है. तो हम कहेंगे भाई किस पे फोर्स पूछा है, ही इज आस्किंग फोर्स ऑन वन ड्यू टू अदर थ्री, हाँ या ना. यस सर. तो मैं ये कहूंगा भाई वेक्टर सम करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा कितने से, जी एम वन एम टू बाय एल स्क्वायर से. ये कितने से अट्रैक्ट करेगा, जी एम वन एम टू बाय बी स्क्वायर से. यस सर. और ये कितने के अलोंग, ये डायगोनल के अलोंग अट्रैक्ट करेगा, ऐसे. ये हो जाएगा जी एम वन एम टू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट का स्क्वायर. और अब हमें हमसे पूछा गया नेट फोर्स कितनी है, मैंने कहा अब इस एंगल ले लो थीटा, दो एक्सिस ले लो. यस सर. इसको रिजॉल्व कर दो, इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा एक, दैट विल जी एम वन एम टू बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू साइन थीटा. अब ये वाला हो जाएगा इधर की तरफ, एक कंपोनेंट हो जाएगा जी एम वन एम टू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा. इस एंगल को थीटा लिया है मैंने, तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा ज्योमेट्री से निकाल दूंगा. साइन थीटा को लिख दूंगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज बी अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कॉस थीटा को लिख दूंगा एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना. यस सर. मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, उस पूरी नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, जी एम स्क्वायर कॉमन ले लिया 1/L² प्लस एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2.
सही है, यस सर। ये चीज और ये चीज ऐड कर दी तो ये हो गया नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट। नेट फोर्स का वाई कंपोनेंट कितना हो गया, ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर वन बाय बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू। हाँ या ना? यस सर। और उसके बाद हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दो। हाँ या ना? एट एंगल फाइव हो जाएगा। और हमारा एफ कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट। एंड टेन फाइव कितना हो जाएगा, टेन फाइव हो जाएगा हमारा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। हो गया? यस सर। चलो बढ़िया था, इस क्वेश्चन के जरिए मेरी नींद भी भाग गई। बड़ा भी था थोड़ा क्या, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के जरिए नींद भी भाग गई। यस सर। मैं नींद आ रही थी क्लास के स्टार्टिंग में, आई वाज फीलिंग स्लीपी, ठीक है, तो वो नींद भी भाग गई कैलकुलेशन करने के चक्कर में। हाँ या ना? और कंसेप्ट क्या हो गया, अगर बहुत सारे पॉइंट मासेज हैं तो किसी एक पॉइंट मास पे फोर्स निकालना है तो हम सबके कारण निकालेंगे, उनका वेक्टर सम कर देंगे। यस सर। अब इसको कई बार लोग कहते हैं ये क्या आइडिया है, मैंने कहा इसको इसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, लिख लिया? हाँ। के इसके बाद, इसके बाद अनदर क्वेश्चन, सपोज करो चार पॉइंट मासेस लिए गए। क्या लिए गए बेटा? चार पॉइंट मासेस लिए गए, स्क्वायर है साइड लेंथ एल का, और ये हाइपोथेटिकल स्क्वायर है, इनको हवा में रख दें। अब इनको ऐसे छोड़ दूंगा तो ये चारों के चारों एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स द डायगोनल का सेंटर। बोलो हाँ, क्योंकि नेट फोर्स उधर की तरफ ही लगेगी। सही है? नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ कि भाई इस पे ऐसे फोर्स लगेगी, ऐसे फोर्स लगेगी और ऐसे फोर्स लगेगी। नेट फोर्स ऐसे ही आएगी, ऐसे आएगी, तो ये ऐसे एक्सेलरेट होएगा, ये ऐसे एक्सेलरेट होएगा, ये ऐसे एक्सेलरेट होएगा, ये ऐसे एक्सेलरेट होएगा। एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगी। वेरिएबल क्यों हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएंगे। बोलो हाँ। यस सर। और ये बीच में आके ठुक जाएंगे। हाँ। मैंने कहा नहीं, ये मेरे को क्वेश्चन नहीं बनाना, क्वेश्चन नहीं बनाना ये, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये चार पॉइंट मासेस थे, इनको इन्होंने कहा वेलोसिटी दे दो। क्या दे दो? वेलोसिटी दे दो। जैसे कि ये अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते रहे, चक्कर काटते रहे। अब समझ में आई बात, क्या करते रहे ये, ये चक्कर काटते रहे। क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ। ठीक है, मतलब इसको ऐसे देखो, पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये हो गया बेसिकली, दिख रहा है? यस सर। हाँ, पढ़ लिया ना? पढ़ लो इसे। हाँ। और फिर हम ये कह सकते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन एक बार मेंस में भी आया है रिसेंटली, जो है रिसेंटली आया है। यस सर। दिखाता हूँ एक सेकेंड। ठीक है,
ये भी वैसा सा ही कुछ लग रहा है। ओनली डिफरेंस बीइंग कि इन्होंने तो आई थिंक रेडियस आर दिया हुआ है दोनों ही केस में, हाँ या ना? हाँ और मैंने क्या दिया हुआ होगा, मैंने मैंने ये सोचा था क्वेश्चन देते हुए कि एक स्क्वायर है हाइपोथेटिकल, उसका साइड लेंथ एल दे दिया होगा, ठीक यस है, ये एल दे दिया, ये एल दे दिया, हाँ या सर। ना? और फिर मैंने कहा था इनको वेलोसिटी कितना दे दूं कि ये सर्कुलर मोशन कर लें, हाँ या ना, अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंडर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, हमने हमें रोटेशन भी नहीं आना चाहिए, सर्कुलर मोशन आना चाहिए, एफ नेट इज एफ नेट होना चाहिए सेंटर सेंट्रीपिटल एमवी स्क्वायर बाय आर, हाँ या ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देते हैं एफ नेट। यस तो हमने कहा सर। भाई ठीक है, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये चार थे, किसी एक पे फोर्स निकाल लो, ये एल है, ये एल है, इस पे फोर्स कितना है, इधर की तरफ है जी एम वन एम टू बाय एल स्क्वायर, इधर फोर्स है जी एम वन एम टू बाय एल स्क्वायर, इधर फोर्स है जी एम वन एम टू अपॉन ये कितना डिस्टेंस है, रूट टू एल, तो टू एल स्क्वायर, हाँ या ना? अब ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो या तो रिजॉल्व करो इसको और फिर दोनों का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का सम लो, हाँ या ना? क्योंकि रिजॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस में आ जाएगा जी एम वन एम टू बाय एल स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा जी एम वन एम टू बाय टू एल स्क्वायर कॉस 45, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 √2, सही है? और वाई में भी यही बनेगा, जी एम वन एम टू बाय एल स्क्वायर साइन 45 आएगा, तो 1 + 1/2 √2 बनेगा। ये तुम्हारा फोर्स का वाई कंपोनेंट हो गया, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये अगर एफ है, ये अगर एफ है, तो कितना आ जाएगा, √2f, 45 पे ही आएगा, तो हमारा ये आंसर कितना होना चाहिए, √2 टाइम्स जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर 1 + 1/2 √2। या मैंने कहा डायरेक्टली कर दो, एक काम करो सब चीजें भूल जाओ, इन दो का ऐड कर दो, इन दो को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर की तरफ √2 टाइम्स जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो मैंने कहा ये और ये तो सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों को वैसे ऐड हो जाएंगी, तो नेट फोर्स क्या आ जाना चाहिए डायगनल के अलोंग, जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर √2 टाइम्स + 1/2, बोलो हाँ, यही तो फोर्स लग रही है डायगनल के अलोंग, सही है? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, गॉट इट? एंड में क्या कहेंगे कि भाई ये चक्कर काट रहे थे सर्कल में, ये सर्कल में चक्कर काट रहे थे, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए इधर की तरफ, वी स्क्वेयर बाय आर, अब आर कितना हो गया, √2L का हाफ, तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय एल बाय √2, हाँ या ना? एम वी स्क्वेयर बाय आर की जगह क्या लिखोगे, एल बाय √2, इससे भी निकल जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी ना, मतलब कहाँ पे कंफ्यूजन है सर, भाई? ये वाला जो हाँ ब्राउन स्टेटमेंट है ना, ब्राउन जो आपने बॉक्स में बनाई है दोनों, हाँ तो मतलब ये ऑरेंज वाला तो ठीक है, ये दूसरी वाली सेम ही है ना दोनों इक्वेशंस, तो ये दूसरी हाँ वाला कैसे किया था मतलब? अरे भाई दो फोर्स थी, एक फोर्स थी इधर एफ, इधर एफ, और इधर थी हमारी एफ बाय √2, बोलो हाँ, एफ बाय टू, एफ बाय टू, और ये 45 है,
इनको ऐड करने का ही तो तरीका था कि भाई मैंने कहा इधर की तरफ हो गया रूट टू एफ, और एक इधर था एफ बाय टू, क्योंकि हाँ इसका और इसका रूट टू एफ बनेगा 45 डिग्री पे, और एक एफ बाय टू ऑलरेडी था, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल नेट आंसर क्या हो जाएगा, रूट टू एफ प्लस एफ बाय टू टूवर्ड्स द 45 डिग्री, और दूसरा हो यस गया भैया रिजॉल्व करके ऐड कर देते, मैंने कहा ये हाँ हो गया एफ बाय टू रूट टू, इधर हो गया एफ बाय टू रूट टू, तो हाँ इधर की तरफ हो गया एफ 1 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, इधर हो गया एफ 1 बाय प्लस 1 बाय 2 रूट 2, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू अलोंग 45, हाँ या ना, हाँ दैट इज एफ 1 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, तो ये ओके तुम्हारा बन सर जाएगा एफ रूट टू प्लस 1 बाय 2। मैंने कहा यही तो बकवास यहां से बोल रहे थे, मतलब ये वेक्टर एडिशन था इसमें यार, इसमें इसमें कोई बहुत बड़ी वो फंडे नहीं मारे हमने, हाँ या ना। हाँ ठीक है, मैं तो ये कह रहा था कि भाई बच्चे कहते हैं ना कि सर लेफ्ट वाला करना चाहिए, मैंने कहा लेफ्ट वाला करना चाहिए, लेकिन मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि इन दो का अगर सम डायगनल के अलोंग ही आना है, 45 पे आना है, तो पहले इनको इन दो को अलग ऐड कर दो और फिर इसको अलग ऐड कर देना उसमें, हाँ या ना। यस सर यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हाँ नहीं तो तुम रिजॉल्व कर लो एफ बाई टू को और फिर दोबारा ऐड करो तो भी 45 पे आएगा। यस सर तो समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ ठीक है तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो पहली बात, तो ये स्क्वायर है, ये हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल का मतलब ये है कि ये कोई डंडे नहीं लगाए हुए यहां पर, इनको ऐसे रख दिया गया है, हाँ या ना, और इनको रख देंगे छोड़ देंगे तो ये सेंटर पे चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इनको रेस्ट से मत छोड़ो, इनको वेलोसिटी दे दो, सबको सबको वेलोसिटी दे दो, ये एल है ये एल है, सबको वेलोसिटी ऐसे दो टेंजेंट के अलोंग, और ऐसे वेलोसिटी दी टेंजेंट के अलोंग कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर सर्कुलर मोशन कर ले, हाँ तो अगर किसी एक पे देखूं तो फोर्स इधर की तरफ बन रही है, कितनी बन रही है नेट फोर्स, gm² / l² रूट टू टाइम्स प्लस 1 बाय 2, हाँ या ना, ये एफ बन यस रहा है सर तरफ। हाँ और मैंने कहा भाई ये सेंटर यही फोर्स हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे दे v² / r, तो ये आर होना चाहिए, तो यस सर ये आर कितना हो गया रूट टू एल का हाफ, तो ये आ गया l/√2, तो इस पूरी यस एफ को सर लिख देना m a रेडियल, दैट इज m v² / l/√2, सही है, इससे v निकाल लेना, गॉट इट। यस सर अब मैंने तो ये एक बार थोड़ा क्वेश्चन, ऊपर करना अब तो समझ में आ गया, नहीं आ गया, हाँ यस सर और ऊपर हाँ इससे थोड़ा ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैंने पहला ही क्वेश्चन जो कराया है वो, ये पहला क्वेश्चन ही तो है लेक्चर का, हाँ वही कायदे का यस सर क्वेश्चन हाँ यस है, सर और मैंने फिर से वही नहीं कराया एग्जैक्टली जो कि आया है, क्योंकि उन्होंने हाँ बार बार आर दिया है, हाँ या ना, यस सर उन्होंने दोनों केस में आर दिया है, मैंने एल लेके कराया है, हाँ तो ये तुम्हें खुद करना है घर पे जाके, हाँ या ना। ठीक है हाँ सही हो गया इससे थोड़ा इससे नीचे और थोड़ा नीचे हाँ हो गया, हाँ इसी तरह का और क्वेश्चन भी बन सकता है क्या,
एक तीन पार्टिकल ले लिए, तीन पार्टिकल ले लिए इक्वल मासेस के, इक्वल मासेस के, एंड दे आर एट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, या हाइपोथेटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब वो कह रहा है कि भाई इसको कितनी वेलोसिटी दूं, कि ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर सर्कुलर मोशन में चले जाएं। तीनों को देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो यहाँ पे सेंट्रोइड होगा, ये 2:1 के रेशो में होगा और ये रेडियस का रोल प्ले करेगा। यस सर, समझ में आ गया। हाँ। यहां से भी बनाऊंगा और यहां से भी बनाऊंगा, और जो वेलोसिटी होगी वो इनके परपेंडिकुलर होगी, कि ये इस इसके परपेंडिकुलर और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर। हाँ या ना? यस सर। उसके बाद ना ये क्वेश्चन हो चुका है, उसके बाद ना ये क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि इस पे फोर्स इधर लग रहा था कितना, जी एम स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर, इधर लग रहा था जी एम स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर। ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, टोटल 60 होगा ना। यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ दो एक्सिस यही ले लो, ये दो एक्सिस लेंगे तो साइन 30 वाले कंपोनेंट कट जाएंगे। हाँ। और नेट फोर्स इधर की तरफ ही आएगी, कितनी आएगी, 2 टाइम्स जी एम स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर cos 30 हो गया √3/2, एग्रीड। यस सर। तो ये आ गया √3 टाइम्स जी एम स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर, ये तो एफ आ गया। अब इस एफ को क्या लिखना है, एफ नेट इज एम ए रेडियल, दैट इज एम वी स्क्वेयर बाय आर, एग्रीड। यस सर। द ओनली प्रॉब्लम इज यू डोंट नो आर, यू डोंट नो आर। मैंने पिछली क्लास में रोटेशन के डाउट लिए थे, वहीं पे ये डिस्टेंस निकलवाया था मैंने इस किसी क्वेश्चन में, टॉपलिंग वाले क्वेश्चन में, ये एल था, ये एल था, ये एल था, मैंने यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ये डिस्टेंस हो गया L/2, ये डिस्टेंस हो गया पाइथागोरस से L²-L²/4 का रूट, दैट इज √3L/2, फिर मैंने कहा यहां पर हो गया ये हो गया 2:1 का रेशियो, ये सेंट्रोइड हो गया, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई 2/3 of √3L/2। हाँ या ना? यस सर। ये लेंथ क्या हो गई, 1/3 of √3L/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, ये बन गया L/√3, ये बन गया आर का रोल प्ले करेगा। यस सर। और ध्यान रखना है कि ये भी आर होगा और ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। हाँ है ना? यस सर। आर हो गया L/√3, तो एम वी स्क्वायर बाय आर में क्या लिख देना, एल को इसको आर L/√3, √3 ऊपर जाएगा और ये कट जाएगा, एक एम कट जाएगा, हाँ या ना, एक एल भी कट जाएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू इस केस में आ जाएगी √GM/L। डन। यस सर। टफ था ये क्वेश्चन? नहीं नहीं कुछ भी नहीं था, क्या टफ था इसमें? यस सर। हो गया यहां तक?
हाँ बस एक बात थोड़ा सा ऊपर करना, हाँ? बस थोड़ा सा ऊपर मतलब हल्का। हाँ बस 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 हो गया। यस हो गया, सर। लिख हाँ लिया। यस सर। तो ये तो मैंने पॉइंट मासेस के बारे में बात कर दी, थोड़ा सा मैंने ये भी बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर सर्कुलर मोशन कैसे हो जाता है, हाँ या ना, हाँ यस ठीक है कि नहीं है। सर। अब उसके बाद मैंने ये कहा था बार बार कि ये न्यूटन ने ये जो फॉर्मूला बताया था ये सिर्फ और हाँ सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए बोला था, पॉइंट मासेस के लिए। यस सर। पॉइंट मासेस के लिए बोला था। इसका मतलब कल तुम ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी है जिसका मास एम टू है, यस इसका सर। मास एम वन है, तो व्हाट इज फोर्स ऑन एम वन ड्यू टू एम टू, व्हाट इज फोर्स ऑन एम वन ड्यू टू एम टू। तो एक बार तो दिमाग में बहुत मन करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास ले लो और ये डिस्टेंस ले लो आर, और यस कह सर। देंगे कि इस पे फोर्स लग रहा है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, यस सर। और एक्शन रिएक्शन के बेसिस पे इस पे लगेगा जी जी एम वन एम टू बाय एम आर स्क्वायर, हाँ और ये गलत यस है, लिख लो कि ऐसे नहीं करना सर। है, ठीक है, यस सर। लिख लिया। एक मिनट। यस सर। बेसिकली ये होगा कि ये नहीं करना, ये नहीं नहीं करने करना। वाली कहानी आ गई, तो फिर करना क्या है इसमें, इसमें फिर करना क्या है। तुम्हें तो पता है कैलकुलस किसने इन्वेंट किया था, न्यूटन, हाँ न्यूटन। और उसने क्यों किया था, उसने कहा एम वन पे फोर्स यस निकालनी है एम टू के कारण, तो एम टू सर। को पॉइंट मासेज में काट दो, यस यही तो बोला उसने। उसने कहा कि सर। मेरे मेरा फॉर्मूला पॉइंट मासेस के लिए है, हाँ इस पे फोर्स निकाल दो इसके कारण, ऐसे लगेगा डी एफ वन, यस सर। इस पे निकाल दो डी एफ टू, हाँ हाँ या ना, इसके यस कारण सर। निकाल दो डी एफ एन, हाँ या ना, डी एफ थ्री, और फिर मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, डी एफ वन प्लस डी एफ टू, ऐसे नहीं गलत कर रहा हूं मैं, प्लस यस सर। डी एफ थ्री हॉरिजॉन्टल डी एफ एन, नीचे रिकॉर्डिंग चल रही है, और आवाज कर दो प्लीज, मतलब अभी ना थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी कम हो रही है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है, कह रहा हूं कि अभी अभी थोड़ा हल्ला कम मच रहा है, थोड़ा सा और कर लो, मतलब जब ऐसा लगने लगे ना कि अपोकलिप्स मेरे घर से ही आ रही है, तब तक करते रहना, ठीक है। तो हाँ दिख रहा था कि क्या हो रहा है घर में, मैं ऐसा लगा मशीनरी चला रखी है यहां पर, कुछ कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया। तो ये तो, और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसके बाद भी दिक्कत आएगी, सीधा इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, तुम्हें इसका मतलब रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर सम करना है भाई मेरे, तुम ये थोड़ी कर सकते हो कि मान लो ये 5 न्यूटन है, ये अगर 4 न्यूटन है, ये अगर 6 न्यूटन है, तुम ये थोड़ी कह सकते हो 5 + 4 + 6, क्योंकि इंटीग्रल तो क्या होता है, 5 + 4 + 6 होता है, हाँ या ना, तो तुम्हें पहले फिर एक्सिस चूज करनी पड़ेंगी, और फिर सबको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, सारे छोटे 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 को, डी एफ वन कॉस थीटा वन, डी एफ टू कॉस थीटा टू, डी एफ थ्री अच्छा कॉस सबको। थीटा थ्री, डी एफ यस एन कॉस सर। थीटा एन, और सबके एक्स कंपोनेंट्स को अलग से इंटीग्रेट करोगे, वाई कंपोनेंट्स को और अलग वाई से को इंटीग्रेट, अलग से। यस सर। तो ये काम कब करोगे, जब तुम्हें कुछ आइडिया होगा कैलकुलस का, तो कैलकुलस उसने इस चीज के लिए इन्वेंट किया था, अब समझ में आ गया।
यस सर। तो तुम्हारी जिंदगी खराब उसने किसने करी है? न्यूटन ने करी है। न्यूटन ने कहा कि यार देख, और क्यों करी है? क्योंकि तो उसने कहा मेरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, कैन नॉट बी अप्लाइड टू द बॉडीज। यस गॉट इट और सर। नॉट? वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। और इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ग्रेविटेशन के अंदर मेजर पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराऊंगा। क्यों? बिकॉज दोज यस वर सर। द क्वेश्चन विच विल बी अबाउट कि डिफरेंट बॉडीज पे डिफरेंट के कारण निकालो। हाँ या ना? यस सर। तो उसमें तो पूरा मैथ ही मैथ चलता रहेगा। हाँ या ना? यस सर। तो यहां इसको छोड़ के आगे बढ़ लिए, लेकिन मैंने बता दिया कि पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, बॉडी पे मत लगा देना, सेंटर ऑफ मास लेके मत लगा यस देना। सर। अब कई बार बच्चों को होता है कि नहीं सर, इसमें भी मेरे को थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन तो करा के दिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है, यस सर। मान लो एक रॉड ले ली, इसका मास M1 है, इसका लेंथ L है, और ये हमारा यूनिफॉर्म रॉड है। इससे r डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट मास रख दिया M2। अब क्वेश्चन बनता है फाइंड फोर्स ऑन M2 ड्यू टू रॉड। और कुछ बुद्धू बच्चे क्या करेंगे यहां पर? वो कहेंगे इसका सेंटर ऑफ मास है यहां पर और इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, कितना लगेगा? जी M1 M2 अपॉन डिस्टेंस ले लेंगे आर प्लस L/2 का स्क्वायर, और ये होगा गलत। इतनी देर से मैं यही बकवास कर रहा हूं कि भैया ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर करना क्या है? तो फिर करना क्या है? मैंने कहा ये रॉड ले ली और ये आर है, ये एल है, चलेगा? ये पॉइंट मास है M2 और ये पूरे पे मास M1 है। पहला स्टेप तो ये होगा कि इस रॉड को छोटे छोटे पॉइंट मासेज में काट दो। पॉइंट मासेस के बारे में मुझे पता है, फिर कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा। फिर मैंने मेरे दिमाग में आया कि वेरिएबल ले लो, इस डिस्टेंस को एक्स ले लो और फिर कह दो कि ये छोटा सा पॉइंट मास है जिसका लेंथ है dx और इसका मास है dm, तो इस dm के कारण m2 पे फोर्स निकाल सकता हूं। कितना हो जाएगा? इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा df और df हो जाएगा g dm इंटू m2 बाय x2। सही है? जी dm इंटू m2 बाय x2, x हो गया ना डिस्टेंस। और यहां पर जितने भी पॉइंट मासेस लोगे, जैसे ये वाला लोगे, तो इसके कारण भी फोर्स इधर की तरफ ही होगा, और इस वाला ये वाला लोगे, इस वाले के कारण भी फोर्स इधर की तरफ ही होगा, कम होगा लेकिन इधर की तरफ ही होगा। सारे सेम डायरेक्शन में है, तो सारे वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सम ऑफ मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इसी का समेशन। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इसी का समेशन। तो समेशन मतलब इंटीग्रेशन लेफ्ट की तरफ। हाँ या ना? डीएम को क्या लिख देंगे? लैम्डा डीएक्स। और लैम्डा क्या हो जाएगा? M1/L इंटू डीएक्स। सही है यहां तक? उसके बाद मैं कह दूंगा एफ नेट कितना आ जाएगा? एफ नेट आ जाएगा जी M1/L डीएक्स इंटू M2/x2 इंटीग्रल। अब एक्स पे लिमिट सोचनी पड़ेगी। एक्स मैंने ये डिस्टेंस लिया था, तो एल से एल प्लस आर। अरे आर से आर प्लस एल बालक। अच्छा वो उससे ठीक है। हाँ, तुम खुद देखो ना, ये वैल्यू एक्स की है, ये वैल्यू एक्स की मैंने ली है,
हाँ या ना, हाँ तो जब ये पॉइंट एकदम। मास लूंगा तो एक्स की वैल्यू ये होगी, जब ये पॉइंट मास लूंगा तो एक्स की वैल्यू ये होगी, जब ये पॉइंट ठीक मास लूंगा तो एक्स की वैल्यू ये होगी, जब है। ये हाँ पॉइंट मास लूंगा तो एक्स की वैल्यू ये होगी, और जब ये पॉइंट मास लूंगा तो एक्स की वैल्यू ये पूरी होगी। हाँ तो एक्स कहां से कहां जाना चाहिए? आर आर से से आर आर प्लस एल, ठीक से है। अब ये बाहर आ जाएगा, जी M1 बाहर आ गया, M2 बाहर आ गया, L भी बाहर आ गया, L यस सर। स्क्वायर नहीं है, L बाहर आ गया, L बाहर आ गया, सही है। अंदर इंटीग्रल बन गया dx बाय x स्क्वायर का, ये हो गया x की पावर माइनस टू का इंटीग्रल, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, सही है। यस सर। तो ये क्या होगा, माइनस वन बाय एक्स, तो ये चीज बन जाएगी माइनस वन बाय एक्स। तो ये बन गया जी M1 M2 बाय L एंड माइनस वन बाय एक्स, और एक्स जाएगा आर से लेकर आर प्लस एल, फाइनल लिमिट हो जाएगा माइनस वन बाय आर प्लस एल माइनस ऑफ माइनस वन बाय आर। तो ये बन जाएगा माइनस वन बाय आर प्लस एल माइनस माइनस प्लस वन बाय आर। एलसीएम लेंगे तो आर कट जाएगा, ये बन जाएगा एल अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, सही है। बाहर क्या बना हुआ था, बाहर ये चीज ऑलरेडी रखी हुई थी, ये एल और ये एल कट जाएगा, ठीक है। यहां तक का समझ में आ गया? तो एफ नेट बन रहा है जी M1 M2 अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, सही है, डन। यस सर। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड दैट आंसर वॉज डेफिनेटली इनकरेक्ट, इट्स नॉट मैचिंग अप विद दैट, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो मैंने दो क्वेश्चन कराए क्लास में, टेक्निकली मैं हर साल इसी ऑर्डर में, पिछले यार मैं पिछले 15 साल से इसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ। पहला क्या कराता हूँ, सर्कल वाला स्क्वायर वाला पेपर में आ चुका, दूसरा कराता हूँ ट्राइंगल वाला, ठीक है, तीसरा मैं ये रॉड वाला भी कराता हूँ दिखाने के लिए कि वो पॉइंट मास के लिए वैलिड ही है, उसके लिए बॉडी पे नहीं लगाना, हाँ या ना। अभी अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन भी पेपर में आ गया, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ गया, और वो तुम करोगे अभी, ठीक है, वो अब तुम करोगे, दिख जाए मुझे, इसे लिखते रहो, मैं देख रहा हूं जरा क्वेश्चन था तो सही यार। कितनी बार आया है स्क्वायर वाला क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार आया है आर्काइव में, ये देखो पहले भी आया हुआ है ये। सेम वैल्यू चेंज कर करके दे रहा है, पागल इंसान है, ठीक है। जो ढूंढ रहा हूं वो दिख नहीं रहा, निकम्मा गायब हो गया वो। अरे यार दिख जा, दिख जा, ये रहा। इंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, ठीक यस है। आई एम गिविंग यू सर। टी आई एम कमिंग इन 4-5 मिनट्स, डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ, ठीक है। मैं देख के आता हूँ भाई बाहर क्या कैसा क्या हुड़दंग मच रहा है, कौन बच्चे को पीट रहा है। यस हुआ ये सर। ये भी थोड़ा सा बीच में हो रही है प्रॉब्लम, मतलब रॉड है, यस सर। और रॉड हमारी एक्स एक्सिस में एक्सटेंड कर रही है ए से ए प्लस एल तक, यस ए सर। से ए प्लस एल तक, सही है। हाँ और फिर
एक्स इक्वल टू जीरो पे पॉइंट मास रख दिया एन, यस सर, और मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय ए प्लस बी बाय ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स स्क्वायर, मतलब, और एक्स फिर ऐसे ही दिया है, ओरिजिन से ही दिया होगा एक्स, यस सर, कि भाई यहाँ पर एक्स पे, यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, यस सर, यहाँ पर डीएक्स काट दिया, छोटा सा एलिमेंट, हाँ, उसके कारण फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा जी एम, और लैम्डा हो जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डीएक्स डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और एक्स गोज फ्रॉम ए से लेकर ए प्लस एल, ए प्लस एल, तो ये आ जाएगा जी एम, एक तो हो गया ए बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स, और एक बन गया बी डी एक्स, यस सर, ए से ए प्लस एल, ए से ए प्लस एल, और ये बन गया जी एम ए माइनस वन बाय एक्स, तो माइनस वन बाय ए प्लस एल माइनस ऑफ माइनस वन बाय ए, यस सर, प्लस बी dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस l माइनस a, हाँ सर, ये जो a अपॉन b b dx लिखा है ना, तो b x स्क्वायर नहीं होगा वो, नहीं b x स्क्वायर और नीचे वाला x स्क्वायर नहीं कटेगा क्या, हाँ ठीक है ठीक, ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट खोलोगे दो इंटीग्रल में तोड़ना पड़ेगा, तो ये एक तो बनेगा a बाय x स्क्वायर और दूसरा बन जाएगा b x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, यस सर, ठीक है, ये इंटीग्रल बन रहा है, हाँ, तो दो इंटीग्रल बन जाएंगे, यस सर, तो अब जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो जब तुम एलसीएम लोगे तो ए कट जाएगा, तो ये बन जाएगा ए ए एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, ऐसा कुछ बनेगा, हाँ या ना, जैसे एलसीएम लिया ही नहीं पागल ने, इसने एलसीएम लिया नहीं है, इसने ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है, ओके ओके, हम पागल हैं क्या, गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं हम जबरदस्ती का मतलब पहाड़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आ गया जी एम ए वन बाय ए माइनस वन बाय ए प्लस एल प्लस बी एल, ऐसा कुछ बन रहा है, हाँ या ना, यस सर, तो ये तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन बन रहा है, हाँ या ना, यस सर, अब बताओ क्या दिक्कत थी इसमें, हाँ मैंने एक क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन कराता हूँ इतने साल से, मैं 15 साल से ये क्वेश्चन कराता आ रहा हूँ, उसी से कुछ मिलता जुलता आ गया, हाँ या ना, हाँ, बहुत ज्यादा टफ तो देना ही नहीं उन्होंने, मेंस है यार ये, एडवांस थोड़ी है, हाँ, तो मेरा जो लेक्चर होते हैं ना उसके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको उन पे ध्यान देना हमेशा, यस सर, ठीक है, हाँ बोलो, हाँ सर, बस यही था, वो बीच में जब वो करता है इंटीग्रेट तो अच्छा वहीं पे अटक गए, हाँ लिमिट्स वगैरह तो डाल ली थी, वो तो डली हुई थी ऑलमोस्ट, उसमें बीच में हो गया था, ठीक है, अब हो गया ना, हाँ हाँ अब हो गया, यस सर, लिख लिया, हाँ तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, यस सर, अब दूसरा है, रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा ऑन करते हैं।